आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बाहुबली चंद्रयान 2 को लेकर रवाना, भारत के अंतरिक्ष में बड़ी छलांग। चंद्रयान की लॉन्चिंग पर मोदी ने दी बधाई। मध्य प्रदेश विधानसभा में शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि। कल इस मसले पर हुआ था विपक्ष और सत्ता पक्ष में विवाद। सांसद प्रज्ञा सिंह का बेतुका बयान, कहा हम नाली और शौचालय सफाई के लिए सांसद नहीं बने। नक्सलियों की नई साजिश का खुलासा, अब नक्सली पुतले खड़े कर प्लांट कर रहे हैं बम। और एनसीसी कैडेट्स ने मांगा पुलिस और अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण, गृह मंत्री के यहां दिया धरना। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। चंद्रयान 2 को देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट जीएसएलवी MK3 से लॉन्च किया गया। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 2 की 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। चंद्रयान 2 ने पृथ्वी से करीब 182 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीएसएलवी MK3 रॉकेट से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग से भारत की वैज्ञानिक दक्षता एक बार फिर से दुनिया के सामने साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोगों ने इस कार्य के लिए इसरो को बधाई दी। इसरो ने कहा कि अब चांद की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई है। चंद्रयान मिशन 2 से भारत को वैज्ञानिक क्षमता दिखाने का मौका मिला है। इसरो का छोटा सा कदम भारत की छवि बनाने के लिए एक लंबी छलांग है। इस मिशन में भारत ने कठिन जगह का चुनाव किया। चांद पर जाने के लिए वह जगह चुनी जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान 22 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 13 अगस्त से 19 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में यात्रा करेगा। इसके बाद 13 दिन यानी 31 अगस्त तक वह चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर 1 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ यात्रा शुरू करेगा। 5 दिन की यात्रा के बाद 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। लैंडिंग के करीब 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर विभिन्न प्रयोग करने के लिए उतरेगा। चंद्रयान की लॉन्चिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ऑफिस में लाइव देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए अपनी 2 तस्वीरें भी साझा की जिसमें चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को लाइव टीवी पर देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये पल 130 करोड़ लोगों के लिए गर्व करने वाला है। चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग भारत के महान वैज्ञानिकों की सफल गाथा को बताती है। अगर 15 जुलाई को चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च होता है तो वह 6 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करता है। लेकिन आज की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 2 को चांद पर पहुंचने में 48 दिन ही लगेंगे, यानी चंद्रयान 2 चांद पर 6 सितंबर को ही पहुंचेगा। इसरो वैज्ञानिक इसके लिए चंद्रयान 2 को पृथ्वी के चारों तरफ लगने वाले चक्कर में कटौती की है। चंद्रयान 2 आज यानी 22 जुलाई को लॉन्च होने के बाद अब चांद की ओर ज्यादा तेजी से जाएगा। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और उससे पहले इसरो ऐसा कुछ करेगा जो सबकी सांसें रोक देने वाला होगा। इसरो चीफ के सिवान के अनुसार इसरो चांद से 30 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 की स्पीड को कम करेगा। चांद की सतह पर उतरना आसान नहीं है और इस पूरे काम में 15 मिनट लगेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा
भारत करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन को ही यह महारत हासिल है। चंद्रयान 2 के लॉन्च होने के बाद इसके साथ जा रहे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह तक जाएंगे। लैंडिंग से लगभग 4 दिन पहले रोवर उस जगह का मुआयना करेगा, जिसके बाद लैंडर यान से अलग होकर आगे बढ़ेगा। इसके बाद लैंडर का दरवाजा खुलेगा और रोवर बाहर आएगा, जो चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा। इसके कुछ मिनटों बाद ही तस्वीरें मिलना शुरू होंगी। चंद्रमा की सतह की तमाम जानकारियां जुटाकर इसरो के अंतरिक्ष केंद्र भेजने का मुख्य काम प्रज्ञान का होगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तथा विधानसभा के पूर्व सदस्य नेमी चंद जैन को श्रद्धांजलि देने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने दीक्षित और जैन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और सदन में दिवंगत नेताओं के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। इससे पहले रविवार को श्रद्धांजलि न देने को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाए कि सदन में विपक्ष ने श्रद्धांजलि देने के लिए अनुमति मांगी थी, जिसको अस्वीकार कर दिया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तथा विधानसभा के पूर्व सदस्य नेमी चंद जैन को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार को सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा की बैठक शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने शीला दीक्षित एवं नेमी चंद जैन के निधन का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दीक्षित को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थी बल्कि समाजसेवी भी थी। नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने दीक्षित को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी दक्षता के बल पर इतिहास बना जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने शीला दीक्षित के निधन को कांग्रेस के साथ साथ तो खुद की क्षति बताया। साधो ने कहा कि वो हर छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर शीला के पास जाती थी। शीला दीक्षित जी का जाना मेरी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बनी थी उस वक्त राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और शीला जी उनके मंत्रिमंडल में पीएमओ ऑफिस में बैठती थी और छोटी मोटी हम लोग की जो समस्या होती थी, आप सब जानते हैं, बीइंग ए लेडी, और उस टाइम तो बहुत छोटी थी, मैं हाउस की सबसे छोटी विधायक थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब राजू जी से मिलने जाती थी तो राजू जी शीला जी को बोल देते थे कि इसकी समस्या सुनो, और मैं उनको बुआ जी बोलती थी। और जिस तरह से एक बड़े के नाते, मुखिया के नाते जिस तरह से मुझे हैंडल करती थी, मेरी समस्याओं का समाधान करती थी, वो लाजवाब है। और जो आज कायाकल्प दिल्ली का हुआ है वो भी शीला जी की देन है, और ये उन एकदम लौह महिला के रूप में उन्होंने काम किया और मेरी क्षति व्यक्तिगत है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने रविवार को विधानसभा में शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि न देने को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई नेहरू गांधी परिवार का सदस्य होता तो सदन में श्रद्धांजलि दी जाती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भार्गव ने कहा कि कांग्रेस श्रद्धांजलि देने को लेकर टाल मटोल करती रही। भार्गव ने कहा कि हमने सदन में श्रद्धांजलि देने की मांग की, जिसको अस्वीकार कर दिया गया। विपक्ष ने सदन में हंगामा कर सदन से वॉकआउट किया और गांधी की प्रतिमा के सामने शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि दी। अक्सर सदन में हंगामा विपक्ष करता है, लेकिन एमपी की विधानसभा में मंत्रियों ने प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। अब ये सोचने का विषय है कि जहां शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्री और पूरा सत्ता पक्ष नियमों की दुहाई देता रहा, वहीं प्रियंका की गिरफ्तारी को लेकर सदन का समय खराब किया गया। कार्यक्रम हो चुका है, तब इसके बाद हमें सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन कांग्रेस पक्ष ने श्रद्धांजलि देने से टाल मटोल की। उन्होंने कहा कल देंगे, परसों देंगे, काली सूची में नहीं आए सब। मैं मान के चलता हूँ कि श्रद्धांजलि कोई काली सूची का स्थायी विषय नहीं है। जब घटनाएं होती हैं तो इस प्रकार की अपरिहार्य स्थिति आ जाती है, और हम सभी को मानना चाहिए, वो तो हम लोगों की भी नेता थी लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस की नेता थी। दिल्ली प्रदेश के लिए 15 वर्षों तक उन्होंने जो तरक्की विकास किया और भी काम किए, तो हम लोग निष्पक्ष रूप से, निष्प्रय रूप से, बगैर किसी पार्टी के भेदभाव, हम लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि हाउस में भी देना चाहते थे। जब हमें देने की अनुमति नहीं मिली तो हम सभी लोग, सभी विधायक गण, हमारे 108 साथी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रीमती शीला दीक्षित जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं।
गृह मंत्री बाला बच्चन जी, ये खबर आपको समर्पित है। देशभक्ति और जनसेवा के नारे तले काम करने वाली राजधानी भोपाल की पुलिस का दूसरा चेहरा भी सामने आया है। भोपाल पुलिस सड़कों पर लोगों से मारपीट करती है और पुलिस के अधिकारी फोन पर महिलाओं से बदतमीजी से पेश आते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से कुछ पुलिस वाले लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिससे सरकार की मट्टी पलीत हो रही है। देख लीजिए, कहीं इस सब के पीछे भी तो बीजेपी का हाथ नहीं है। गृह मंत्री बाला बच्चन जी, हमारी धारणा है कि मध्य प्रदेश पुलिस में 70% लोग बहुत संजीदा हैं और जनहित और पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजधानी भोपाल पुलिस के कुछ अधिकारी किस भाषा में बात करते हैं ये बाद में बताएंगे। पहले देखिए इस वीडियो को। लिंक रोड नंबर 1 पर दो लड़कों में कहासुनी हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने सड़क पर ही इनका ठुकाई पिटाई कार्यक्रम शुरू कर दिया और तबीयत से इनकी धुनाई कर दी। एक शख्स जो इस घटना का वीडियो बना रहा था, पुलिस ने ऐसा करने पर उसे भी धमकाया। लगता है ये पुलिस या तो तबादलों से त्रस्त होकर या फिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आम लोगों में आक्रोश पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसे काम कर रही है। पुलिस व्यवस्था एकदम चरमरा सी गई है। राजधानी पुलिस का दूसरा चेहरा भी देखिए। रात में नींद में खलल पड़ने पर पुलिस के एक अधिकारी न सिर्फ पीड़ित महिला से बदतमीजी से पेश आए, बल्कि उस पर मुकदमा ठोककर 15 दिन के लिए जेल भेज देने की धमकी भी दी। जिस अफसर की जिम्मेदारी हर पक्ष को सुनकर मामला दर्ज करने की है, न कि किसी के बारे में भी राय कायम करने की, उनका ये बर्ताव बताता है कि पुलिस जनता के बीच में जानबूझकर सरकार की छवि खराब कर रही है। भोपाल के मिसरौद इलाके के SDO अनिल त्रिपाठी साहब की जुबान कैसी है, इसका ऑडियो वायरल हो चुका है, लेकिन आला अधिकारियों ने इससे क्या लेना देना। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं अंशु तिवारी बोल रही हूँ, कटारा थाना से। आपको शर्म नहीं आती? मुझे किस बात से शर्म आएगी सर? क्या रात में फोन लगा रही हो? सर मैं कटारे थाने में अपनी कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ, लिखवा नहीं रहे इसीलिए आपको कॉल लगाया। बदतमीज औरत। हेलो, रात भर से नाटक कर रही है, आग लगाते फिर रही है। सर, मैं थाने पे हूँ। मेरे को नाटक करती फिर रही वहाँ पे, जेल भेज दूंगा 15 दिन को, सही हो जाएगी। पूरा थाने को परेशान कर रखा है तूने। शर्म नहीं आती तेरे को? पुलिस का एक अफसर एक पीड़ित महिला से कहे, तुझे शर्म नहीं आती, रात में पुलिस को परेशान करती है, तो मंत्री बाला बच्चन जी जनता को बताइए कि आपके राज में पीड़ित जनता परेशानी में अधिकारियों को कब फोन लगाए और कब ना लगाए। और हाँ मंत्री जी, ये तो राजधानी पुलिस का एक नमूना भर है। जब भोपाल के ये हाल है तो सोचिए बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों की नई साजिश का खुलासा करते हुए जवानों को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दी है। नक्सलियों ने कई जगह पुतले खड़े कर उनके आसपास बम लगा दिए हैं। दंतेवाड़ा में ऐसी ही एक पुतले के पास बम को डिफ्यूज किया गया है। दंतेवाड़ा जिले के थाना कोंडा संवाली CRPF कैंप के पास नक्सलियों ने दो पुतले खड़े कर उसके नीचे बम लगा दिया था, जिसे जवानों ने सावधानी पूर्वक डिफ्यूज किया। नक्सली इस तरह के पुतले लगाकर उसके पास बम प्लांट कर रहे हैं ताकि जवान उसके पास जाएं और बम फट जाए, लेकिन फोर्स की सतर्कता से नक्सली अपनी साजिश को अंजाम नहीं दे सके। SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोंडा सांवली के कैंप के करीब 600 मीटर दूर जगरगुंडा मार्ग में नक्सलियों ने पुतले लगा के उसके पास बम रखे थे। पैंट शर्ट पहने एक पुतले को बांस के सहारे खड़ा कर दूसरे को जमीन पर लिटा दिया था, जिसके नीचे 5 और 3 किलोग्राम का रिलीज बम लगाए गए थे। जब रात करीब 9 बजे जवानों की नजर इस पर पड़ी तो सावधानी से वहां तक पहुंचे। इसके बाद सतर्कता के साथ बम को डिफ्यूज किया गया।
नई नई सांसद बनी प्रज्ञा ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पलीता लगाती नजर आ रही हैं। मोदी पूरी ताकत से स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह का साफ कहना है, हम नाली और शौचालय साफ करवाने के लिए सांसद नहीं बने। प्रज्ञा सिंह की बातों से लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की बातों को या तो भाव नहीं देती या फिर उन्हें जानबूझकर मोदी की बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। अब ये साफ हो गया है कि नाथूराम गोडसे वाले बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक नाराजगी के बाद भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर मानती हैं। मोदी ने देश को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम यत्न किए और योजनाएं भी लाए, लेकिन भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने हैं, हम आपका शौचालय साफ कराने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए हैं, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं। पहले सुने प्रज्ञा सिंह को। ठीक है ना, किसके लिए बनाया? काम करने के लिए। समय अगर नहीं मिला है इस बात के लिए तो हम समय दे रहे हैं जहां हमारा कर्तव्य है। अगर हम उसमें कहीं भी ढील करते हैं तो बिल्कुल शिकायत करने के अधिकारी हो। क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हमारा पेपर में नाम आए कि हम संसद में उपस्थित नहीं है? तो ध्यान रखो, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना, हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे, ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर का बयान ऐसे समय में आया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और हेमा मालिनी ने संसद परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने बड़बोलेपन से पहले भी बीजेपी की जमकर फजीयत करवा चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार देकर बीजेपी की किरकिरी कराई थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस नए बयान पर विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने फिर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। बीजेपी नेताओं ने इस मसले पर सांसद प्रज्ञा का वायरल हो रहा वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। डिंडोरी के जबलपुर रोड पर संचालित नवोदय स्कूल में छठवीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ लेकिन लगता है मैं नर्क में आ गई हूँ। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद नवोदय स्कूल प्रबंधन सवालों के कटघरे में है। नवोदय में छात्रा की खुदकुशी की सूचना मिलने पर कलेक्टर एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा मधु मरावी की उम्र महज 13 वर्ष है। छात्रा के पास से एक पत्र भी मिला है। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि नवोदय विद्यालय नर्क है। बच्ची की खुदकुशी के मामले में पिता ने आशंका जताई है कि उनका कहना है कि जिस तरह से रस्सी बंधी हुई थी और जिस हाइट पर रस्सी बंधी हुई थी ऐसा वह कर ही नहीं सकती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू करवा दी है। नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि परिवार से दूर होने की वजह से उसने यह कदम उठाया, जबकि बच्ची के पिता का कहना है कि कुछ दिन पहले ही उसे स्कूल छोड़कर आए थे और वह यहां आने के लिए काफी उत्साहित थी। छात्रा के पास मिले पत्र से पता चलता है कि वह पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे नवोदय स्कूल नर्क लगने लगा। पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ तो देश के कई हिस्सों में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सिवनी में अब तक बारिश ने दस्तक नहीं दी है। तेज गर्मी से शहरी इलाकों में बुरा हाल है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अंचलों में भी बारिश के इंतजार में किसान का बुरा हाल हो चुका है। इस कारण कहीं अनुष्ठान किए जा रहे हैं तो कहीं मेढ़क मेढ़की की शादी की जा रही है। बारिश के न होने के चलते मध्य प्रदेश के सिवनी नगर के ढीमर समाज ने मछली मार्केट बंद कर बारिश के लिए सिवनी नगर में बारात निकालकर मेंढक मेंढकी की शादी कराई, साथ ही मठ मंदिर में अनुष्ठान भी किया। इस आयोजन के पीछे मान्यता है कि मेंढक मेंढकी की शादी कराने से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे अच्छी बारिश होती है। अच्छी बारिश की कामना के साथ समाज के भी कुछ छोटे बच्चों को नग्न अवस्था में घुमाया गया। इन बच्चों और मेंढकों के साथ पूरे क्षेत्रवासियों ने पहले पूजा अर्चना की और फिर मेंढक की बारात निकाली। यह बारात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची, जिसके बाद वापस मंदिर पहुंचकर समाज के लोगों ने पूजा अर्चना कर अनुष्ठान किया। बारात से लेकर मंदिर पहुंचते तक लोग मेंढक मेंढकी को पानी भी पिलाते रहे, ताकि वे जिंदा रह सकें और उनकी शादी हो सके। मेंढक को तरसा तरसा कर पानी पिलाने के पीछे मान्यता है कि मेंढक जितना तड़पता है इंद्र भगवान देव को उतना ही दर्द होता है। मेंढक की इस तड़पन को दूर करने के लिए भगवान इंद्रदेव बारिश करने लगते हैं। कंपटीशन एग्जाम में सफलता कैसे मिले, इसके लिए एक अफसर ने उड़ान कोचिंग शुरू की और तमाम अफसरों और समाज सेवियों ने बच्चों को सफलता के गुर सिखाए। अब ये नरसिंहपुर की उड़ान अपने चरम पर है। सुपर 30 की तर्ज पर नरसिंहपुर में निशुल्क उड़ान संस्था की नींव रखने वाले वर्तमान सागर नगर निगम कमिश्नर नरसिंहपुर पहुंचे तो खुद को उड़ान जाने से नहीं रोक पाए। उन्होंने उड़ान में जाकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाते हुए कंपटीशन एग्जाम में सफलता के गुर सिखाए। दखल न्यूज से बात करते हुए सागर कमिश्नर आरपी अहिरवार ने कहा कि उड़ान से उनका आत्मीय लगाव रहा है। 4 साल पहले जिस संस्था को सामाजिक भाव से निःशुल्क विद्यार्थियों के लिए शुरू किया, वहाँ कलेक्टर, अपर कलेक्टर और समाज सेवियों ने बिना किसी स्वार्थ से बच्चों को पढ़ाया और उन्हें सही दिशा दी। उड़ान संस्था एक ऐसी संस्था है जो किसी उससे नहीं बंधी हुई है, कि मतलब ये कोई शासकीय उसका अंग नहीं है। ये अपनी स्वेच्छा से है और जितने भी लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हों, हम लोग हैं, एसडीएम साहबान हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं, अन्य अधिकारी हैं, शिक्षकगण हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। और ये कुछ ना कुछ देने का जो रहता है कि हम अपना कुछ रिटर्न करें स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के, जो हम लोगों ने सीखा है उसी कारण से यहाँ आते हैं। जो नवागत हमारे जिला पंचायत सीईओ यहाँ आए हैं, वो भी आज हम लोगों के साथ हैं और उन्होंने भी इस बात को मतलब यहाँ पर कहा है कि वो इस संस्था को ऐसे ही अपना मार्गदर्शन देंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारे छात्र हैं वो आगे निकलें। मैं ही अकेला नहीं, पूरी उड़ान संस्था और यहाँ के उपस्थित सभी स्टूडेंट खुशी में आए जिन्होंने इस उड़ान संस्था की नींव रखी थी और साथ में जिन्होंने इस संस्था को निःशुल्क रूप से संचालित करवा रहे हैं, और उनका भरपूर सहयोग, वह हमें समय समय पर मार्गदर्शित करते रहते हैं। और जहाँ की उनका सागर में स्थानांतरण हो चुका है, परंतु फिर भी वह अल्प प्रवासी यहाँ पर आए थे नरसिंहपुर ज़िले में, और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस संस्था को प्रदान किया, इसलिए हम उनके बहुत अधिक कृतज्ञ हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमेशा यहाँ पे इस संस्था में जब भी अल्पप्रवास या फिर किसी भी काम से आएं, यहाँ पे हमें अपना सहयोग भरपूर देते हैं। यहाँ से पढ़े सैकड़ों बच्चे आज विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, बिना किसी शासकीय मदद से सामाजिक दायित्व निभाते हुए। जिस उड़ान की शुरुआत हुई थी वह अब बुलंदियों को छू रही है। उड़ान में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी अपने पुराने शिक्षक रूपी अधिकारी को देख गदगद हो गए। मध्य प्रदेश में लगा था कि नई सरकार आने के बाद करप्शन कुछ कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पन्ना में शिक्षक की पदस्थापना बदलवाने के लिए बाबू ने सरेआम रिश्वत मांगी, तो मामला लोकायुक्त पुलिस तक पहुंचा और घूसखोर बाबू को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पन्ना जिला शिक्षा प्रकोष्ठ शाखा में संलग्न बाबू रामशंकर रायकवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते
रंगे हाथों पकड़ा है। इस बाबू ने पद स्थापना बदलवाने के लिए एक शिक्षक से 20,000 की रिश्वत मांगी थी। लंबे समय से रैकवार के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत मिल रही थी। उच्च अधिकारियों को रुपए देने के बहाने सभी शिक्षकों और बाबुओं से रिश्वत लेता था। पूर्व में भी कई शिकायतों के बावजूद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज जाकर सागर लोकायुक्त की कार्रवाई में यह पकड़ा गया। मैं 2014 से परेशान था, मेरे ऊपर रिजल्ट कमाने का आरोप लगाया गया था और मुझे मेरी पदस्थापना बदल दी गई थी और एक असंचयी वेतन वृद्धि बंद कर दी गई थी। मैंने आवेदन दिया था जो सीओ साहब आए थे, तो इनने कहा था कि हम दोनों खुलवा देंगे, आप वेतन वृद्धि भी खुलवा देंगे और पदस्थापना लोहर गाँव से सलेहा कर देंगे। जिसके एवज में इन्हें 20,000 रुपये मांगे थे, 10 मैं दे चुका था, 10,000 लेकिन मैं नहीं देना चाहता क्योंकि 4 साल से मैं परेशान था, इस व्यक्ति को मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। तो आज जो है सुबह बात हुई, बोले आप आ जाओ और पैसे दे दो। रूम में गया, पैसे दिया, इतने में लोगों ने वो कर ली, कार्रवाई कर दी। लोकायुक्त से करी थी 17 तारीख। झूठ है सर, हमने कभी इनसे नहीं मांगी ना, हमने लिए इनसे दिए हैं ना। अब जिसने भी रखे हो सर, हमारे यहाँ नीचे कमरे में सटकनी भर लगी रही है, हम ऊपर छत पे थे, हमको छत पे से बुलाया गया। आपके हाथ लाल हुए या नहीं? हाथ नहीं सर, वहाँ जो पानी है मतलब उसमें थोड़ा गुलाबी कलर आया है। चौपायों और लोगों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक व्यवसायी और ट्रैफिक पुलिस ने जबलपुर में एक अनोखा अभियान शुरू किया है। ये जानवर और लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए गले और सींगों पर रेडियम के पट्टे बांधे जा रहे हैं ताकि अंधेरे में भी इनकी उपस्थिति का पता चल सके। जबलपुर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों पर एक अनोखा प्रयोग शुरू किया गया है। यातायात पुलिस और शहर के एक व्यवसायी ने मिलकर इस अनोखे प्रयोग की शुरुआत की है। इस प्रयोग में इन जानवरों के गले और सींगों पर रेडियम के पट्टे बांधकर रात में सड़कों पर होने वाली दुर्घटना को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। महेश केमतानी साहब ने और जबलपुर पुलिस की ड्रोन के साथ में रहने से और दोनों का कोलैबोरेशन होने से ये इस तरह का आयोजन किया गया है। गाय के गले पर रेडियम की एक पट्टा और रेडियम की सींग में भी एक इंडिकेटर लगाया जाए कि रात में जब लाइट पड़े तो जानवर लोग देख सकें दूर से। ये एक अनूठा प्रयास है और उन्होंने 2 गाड़ियाँ इसके लिए रखी हुई हैं गांव-गांव पहुंचाने के लिए। उसमें 2 से 3 एम्प्लॉई रहेंगे एक गाड़ी में और बुलाया देंगे। इस तरह का आयोजन अनोखा आयोजन है। आज केमतानी परिवार के महेश जी की तरफ से उनके बेटे आशीष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया है। जिले में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान कई बार निर्जीव पशु जो निर्दोष होते हैं और सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है वाहन से टकरा के कारण या फिर उनसे टकराने की वजह से बाइक चालक भी हताश होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम पशुओं के गले में रेडियम के पट्टे लगाने का निश्चय किया है और इसके अलावा दो मोबाइल भी चलाने का तय किया है जो जिले भर में अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और जो आम रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरह के वाहन खड़े होते हैं उन पर पीछे रेडियम चस्पा किया जाएगा जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। इस कार्य के लिए 3 मोबाइल वैनों को भी चलाया जाएगा। ये मोबाइल वैनें सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के गले और सींगों पर रेडियम के पट्टे को बांधने का काम करेंगी। यातायात पुलिस का कहना है कि जिले में सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से 400 लोगों की जान जाती है। इसका एक कारण रात में सड़कों पर घूमने वाले जानवर होते हैं जिन्हें वाहन चालक नहीं देख पाते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जानवरों के गले में रेडियम के पट्टे बांधने से वाहन चालक को दूर से ही जानवरों के बारे में पता चल जाएगा और दुर्घटना होने से बच जाएगी। इंदौर में नगर निगम ने आज फिर एक जर्जर मकान को तोड़ा। ये मकान तकरीबन 150 साल पुराना था और सकरे रस्ते में बामुश्किल जेसीबी मशीन मकान को तोड़ने पहुंच पाई। इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के बल्ला कांड के बाद नगर निगम बेहद सावधानी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। एक जर्जर मकान को तोड़ने के लिए धान की छोटी गली में घुसने के लिए जेसीबी को भी काफी मशक्कत करना पड़ी। नगर निगम ने शहर के जर्जर मकानों को गिराने का अभियान चला रखा है। इसी के तहत सोमवार को निगम की टीम ने छोटा सर्राफा की धान गली में 150 साल पुराना मकान गिरा दिया। यह मकान प्रकाश सोनी के नाम से है। कुछ समय पहले तक वे इसकी ऊपरी मंजिल में रहते थे लेकिन मकान के जर्जर होने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। धान गली की छोटी गली का यह मकान तमाम लोगों के लिए खतरा बना हुआ था।
एमपी में अब एनसीसी कैडेट्स ने आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नौकरी में एनसीसी कैडेट्स को वरीयता के साथ आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर कैडेट्स ने गृह मंत्री बाला बच्चन के बंगले पर धरना दिया। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच मौजूदा और पूर्व एनसीसी कैडेट्स ने पुलिस में 15% आरक्षण की मांग को लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन के घर के बाहर धरना दिया। इनकी मांग है कि जिन कैडेट्स के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उन्हें राज्य पुलिस सेवा में 15% आरक्षण दिया जाए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की अन्य नौकरियों में भी उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिले जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो। सुबह से आए कैडेट्स गृह मंत्री से मिलने के लिए परेशान होते रहे। सर, हमारी गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी रैली में इन्वॉल्व होने में उनकी नौकरी को थ्रेट है। इस वजह से हम बिना गाइडेंस के, हम एनसीसी कैडेट्स अपने अपने सब अपने अपने लिए आए हुए हैं और हमारी मांगे हैं कि हम 15% सीट चाहते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में और एमपी एसआई में, और हमें रिटर्न फ्री एसआई चाहिए। हमें कोई कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है सर, हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला है कि मैं जाकर के अंदर बताता हूँ, देखा जाएगा, हम कोशिश करेंगे। बस सर, आज हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे को रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं मिल जाती कि हाँ, हम आपकी पूरी मांगों को इस बार की व्यापम वैकेंसी में देंगे। गृह मंत्री बाला बच्चन ने बाद में इन कैडेट्स का ज्ञापन लिया और कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर जो भी संभव हो वो करेंगे। गृह मंत्री ने कोई ठोस आश्वासन इन कैडेट्स को नहीं दिया। नहीं, ठीक है, जो भी बात है, देखिए मैंने ज्ञापन ले लिया है और लेकर मैंने पढ़ भी लिया है, मैंने उनसे चर्चा कर भी ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस बारे में बात करूंगा। एमपी में मानव तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। चेन्नई से रेस्क्यू कर 29 नाबालिग बच्चों को भोपाल लाया गया है, जिसमें 13 लड़कियां और 16 लड़के हैं। ये बच्चे बालाघाट के बताए जा रहे हैं, जिनको चेन्नई की एक जूस फैक्ट्री में ले जाया गया था। मानव तस्करी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अंडमान एक्सप्रेस में चेन्नई से रेस्क्यू कर 29 बच्चों को भोपाल लाया गया। बचाए गए बच्चों में 13 लड़कियां और 16 लड़के हैं। इन नाबालिग बच्चों की उम्र 10 से 14 वर्ष है। बच्चों के साथ जीआरपी और महिला बाल विकास के अधिकारी भी साथ में हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे बालाघाट के हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद उनके घर भेज दिया जाएगा। बच्चों को चेन्नई की एक जूस की फैक्ट्री में रखा गया था। चाइल्ड लाइन और बाल आयोग ने अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इस मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। सावन में सोमवार का खासा महत्व होता है और इस दिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की छठा ही निराली होती है। सावन के सोमवार के अवसर पर बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली। इस सवारी के जरिए बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस सवारी को देखने के लिए महाकाल मंदिर से सवारी स्थल तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हर तरफ जय महाकाल और हर हर महादेव की गूंज थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।